जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि टाटा आईपीएल 2024 के शुरुआती तारीख की घोषणा हो गई है, जिसका पहला महामुकाबला 22 मार्च को रात 8 बजे चेन्नई के एम चिदंबरम स्टेडियम में पिछले साल की विजेता रही चेन्नई सुपर किंग और रॉयल चैलेंजर बंगलोर के बीच होगा। इस मैदान पर इन दोनों टीमों के बीच अब तक आईपीएल के इतिहास में 8 महामुकाबले हो चुके हैं, जिसमें 2008 में हुए पहले मुकाबले में रॉयल चैलेंजर बंगलोर की टीम विजयी रही थी। उसके बाद हुए मुकाबलों में लगातार चेन्नई की टीम विजयी रही है। इस तरह देखा जाए तो एम चिदंबरम स्टेडियम पर चेन्नई की टीम को हराना किसी भी टीम के लिए आसान नहीं होगा, लेकिन किंग विराट कोहली जिस फॉर्म में चल रहे हैं, उसे देखते हुए कांटे की टक्कर देखने को मिलने वाला है। अब हम देखेंगे दोनों टीमों के बीच होने वाले महामुकाबले के प्लेइंग 11 की। तो सबसे पहले हम चेन्नई सुपर किंग की प्लेइंग 11 पर नज़र डालते हैं। तो ऋतुराज गायकवाड़ और डियोन कॉनवे पारी की शुरुआत करेंगे। नंबर 3 पर अनुभवी बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे बैटिंग करेंगे। तो नंबर 4 पर शानदार फॉर्म में चल रहे बल्लेबाज रचिन रविंद्रा के खेलने की संभावना है, जबकि नंबर 5 पर शिवम दुबे खेलेंगे, जो लंबे हिटिंग के लिए जाने जाते हैं। तो नंबर 6 पर रविंद्र जडेजा, नंबर 7 पर कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, तो नंबर 8 पर ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर खेलेंगे, वहीं नंबर 9 पर दीपक चहर, नंबर 10 पर शानदार स्पिनर महेश थिक्साना, तो नंबर 11 पर यारकर स्पेशलिस्ट महिषा पथिराना खेलेंगे। तो ये रही चेन्नई सुपर किंग की प्लेइंग 11। अब आइए नज़र डालते हैं रॉयल चैलेंजर्स बंगलोर के प्लेइंग 11 पर। तो पारी की शुरुआत करेंगे कप्तान फाफ डुप्लेसिस और किंग विराट कोहली, जबकि नंबर 3 पर रजत पाटीदार, जबकि नंबर 4 पर जबरदस्त हिटर ग्लेन मैक्सवेल खेलेंगे, वहीं नंबर 5 की बल्लेबाजी करेंगे ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन, जबकि नंबर 6 पर महिपाल रोमरोर और नंबर 7 पर विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक खेलेंगे, जबकि नंबर 8 पर स्पिनर मयंक डागर, तो नंबर 9 पर शानदार गेंदबाज लॉकी फर्गुसन खेलते हुए नजर आएंगे, जबकि नंबर 10 पर तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज और नंबर 11 पर आकाशदीप खेलते नजर आएंगे। तो ये रही दोनों टीमों की प्लेइंग 11।